Kalpur, sir. Thank you, Mr. Speaker. Sir, I would like to say here that circular debt on it's about 2.5 trillion. Incompetency of the government. Sir, I was surprised to hear from our brother Akbar Chitrali that the problems they are facing, same kind of problems we are facing in our districts. In remote areas, in Tharparkar, Mirpur Khas, we don't have facilities. जहाँ ट्रांसफार्मर किसी का जल जाए तो ट्रांसफार्मर के कोई स्टोर्स बने हुए नहीं हैं, कोई ट्रांसफार्मर्स नहीं मिलते हैं लोगों को. बिजली के बिल जो हैं वो इस कदर बिल आते हैं कि लोग बेचारे परेशान होते हैं, उनके ऊपर वो लगाते हैं जिनके पास अगर सपोजिंग इतनी बिजली है भी नहीं, वो उतने कंज्यूम भी नहीं करते हैं, लेकिन उनके ऊपर इस तरह के वो लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेनल्टीज. और ये एक तरीकेकार होता है, उनके पास तरीकेकार ही नहीं है बिजली का. आई डोंट नो इस हुकूमत ने क्या किया. एक वजीर पहले था, वो बड़े दावे करता था, फिर नया वजीर आया. अभी सर मैं अभी एक मिसाल दे रहा हूं. झुंडो में 100 विलेजेस एक फीडर पे, फीडर नंबर 2 पे सब 100 गांव की बिजली काट दी गई. इसलिए काट गई, चंद लोगों ने बिल नहीं दिए थे. अब चंद लोगों ने बिल नहीं दिए तो पूरे 100 विलेजेस जो है उनकी बिजली काट दी जाती है. तो ये है बिजली का बहरान. और बिजली पे अभी तक कोई भी दुनिया पता नहीं कहां पहुंच चुकी है. वेस्ट की तो हम बात ही नहीं कर सकते, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं. वी आर अंडर डेवलप्ड, बट अंडर डेवलप्ड वी आर सो कॉल्ड अंडर डेवलप्ड. वी डोंट हैव स्टोरेज, वी डोंट हैव के ट्रांसफार्मर्स. वहां लोगों के जल जाए तो ट्रांसफार्मर लोगों को मिले नहीं मिलेंगे. वो जो चित्राली साहब बात कर रहे थे, बनाने के लिए ले जाते हैं, बनाने के भी लिक्विड डालते हैं. एज इफ वी आर लिविंग 100 ईयर्स ओल्ड, 150 साल पुराना रह रहे हैं. गैस की सूरत हाल ये सर, जो सूबा जो गैस देता है बलूचिस्तान वॉज प्रोवाइडिंग गैस टू होल पाकिस्तान, इज रीच टिल हियर, बट इन बलूचिस्तान देयर वॉज नो गैस इन कोयटा फॉर ईयर्स गैस वॉज नॉट देयर. आज सिंध गैस दे रहा है, सिंध के अंदर इंडस्ट्रीज में गैस नहीं मिलता है इंडस्ट्रीज को. सिंध में अगर थरपारकर से हमने बिजली बनाई 600 मेगावाट बिजली, वो आती है या फेडरल पूल में आती है, हम लोगों को वो 600 मेगावाट नहीं मिलती है. वहां पर हमारे 18 घंटे 20 घंटे लोड शेडिंग होती है. मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एडवाइजर साहब और जो भी आपके यहां बैठे हुए हैं, ये इतना डायरेक्ट मैंने बताया 2.5 ट्रिलियन और मे बी मोर है आपका, तो आप लोग इसके ऊपर तवज्जो दें. हुकूमत की बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंसी है, नाहिली है, मैं ये कहूंगा. और गरीब लोग जो है वो बेचारे बहुत परेशान हैं पूरे पाकिस्तान में. बिकॉज चित्राल इज वन एंड एंड देन इफ आई हियर टू माय अदर ब्रदर, वो भी ये कहेंगे जो फ्रंटियर के हैं, पिशावर के हैं या पंजाब के होंगे, वो भी ये कहेंगे कि यहां भी ये बिजली का बहरान है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो लोगों को नहीं मिलते हैं, बिल जो है वो ज्यादा आते हैं. थैंक यू वेरी मच मिस्टर. बहुत शुक्रिया जी. जी जनाब मोहसिन दावर साहब. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर मैं तवज्जो चाहूंगा मिनिस्टर साहब की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है. जनाब स्पीकर, जरब अजब के बाद शुमाली वजीरिस्तान में बिजली टेस्को वालों ने काफी रिहाब प्रोसेस किया, लेकिन उस प्रोसेस में शफाफियत बिल्कुल भी नहीं थी. मैंने पहले भी ये मुतालबा किया तो आज फिर ये मुतालबा करूंगा और चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब इस चीज को नोट करें कि पिछले 3 सालों में ये रिहा प्रोसेस के लिए जितना भी सामान रिलीज हुआ है, चाहे वो ट्रांसफार्मर है, चाहे वो बिजली के पोल्स हैं, इसकी थोड़ी तहकीकात करा लें कि वो ऑन ग्राउंड लगे कितने हैं और वो बीच में से गायब कितने हुए हैं. तो एक गुजारिश तो ये है. साथ ही साथ चंद इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली की रसाई अभी तक नहीं हुई, रिहा प्रोसेस भी जारी है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी तक बिजली पहुंची भी नहीं है. हमारा एक शुमाली वजीरिस्तान का एक तहसील है, तहसील दतखेल, जो कि मीरानशाह ग्रिड से कंट्रोल होते हैं, तकरीबन लगभग 100 किलोमीटर तक का इलाका उसी मीरानशाह ग्रिड से कंट्रोल होता है, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है. तो वो उसकी भी हम गुजारिश करेंगे कि मतलब वो भी आने वाले जो तरक्याती काम है उसमें उसको इंक्लूड किया जाए. साथ ही साथ 2 और ग्रिड्स हैं, तहसील दुसली में और स्पिनवाम में. बाकी कई जगहों पर फीडर्स की भी जरूरत है, लेकिन वो फिर इस